हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू FLA। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 11th एंट्रेंस के लिए मैथमेटिक्स के सिलेबस को, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स में सबसे पहले देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज के वीडियो में बेसिक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से उस पर बेस्ड हम बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, फिर एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ समझते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है वो है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है या क्या करते क्या है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो कोऑर्डिनेट का बेसिक सा मतलब होता है पोजीशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की हम जो पोजीशन डिफाइन करते हैं तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट का बेसिक सा मतलब होता है पोजीशन। हम कभी भी किसी पॉइंट की जब पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो पोजीशन ऑफ पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। और इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है x, y, where first x is called x coordinate and y is called y coordinate, जिसमें इसकी दूसरी नेम भी होते हैं, इसको कहते हैं एप्सिका, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट जब भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले x कोऑर्डिनेट फिर कॉमा देके y कोऑर्डिनेट, यानी कि हमने ऐसे कुछ लिखा 2, 3। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम अगर प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये जो हमने प्लेन के ऊपर इसको डिजाइन किया, इसको क्या बोलते हैं, 2D प्लेन बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं, या फिर हम इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, या फिर हम इसको सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो इसके वेरियस नाम है, इसको सिंपल एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और इसको 2D प्लेन भी कहते हैं। इसके अंदर हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बेसिकली हम ये टू डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको 2D प्लेन कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दो एक्सिस यूज हो रही है तो उनको हम एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं। बेसिकली एक्सिस क्या होती है, एक्सिस दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को बताने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो है हमारा ओरिजिन। जैसे कि हम इस पॉइंट की बात करें, हमें 2, पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले कहां चलना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, और साथ के साथ हमें उसके साइन का ध्यान रखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेम एज वाई के लिए। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव जाना है 2, फिर उसके बाद जहां पे हम रुक रहे हैं वहीं से ऊपर चले जाएंगे y, क्योंकि y पॉजिटिव है इसलिए परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ 3 पॉइंट चले जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2, 3। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस हमें कवर करनी है, साथ के साथ हम उसके डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके से जा रहा है, और जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, यानी सारी डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर की जा रही है, क्लियर। तो ये हमारा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें अलग अलग ये जो चार पार्ट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड है, एंड सेम एज ये फोर्थ है। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साइन अलग अलग चलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस पोजीशन की बात करें, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए जब भी इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट आपको लिखा हुआ मिलेगा वो हमेशा प्लस एक्स प्लस करके लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स क्योंकि नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसलिए इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एंड थर्ड की बात करें तो थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, इसलिए दोनों नेगेटिव चलते हैं। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, इसलिए इसमें नेगेटिव इस तरीके से चलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, और लिखने का तरीका हमेशा यही होगा, ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ। अगर वो ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इस बात को माइंड में बैठा लीजिए, फिर वो किसी अदर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा कोऑर्डिनेट का ही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट के बाद वो आता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन हमें यहां पे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है हम उसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन।
जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस किया होगा लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर इक्वेशन जो हमने पढ़ा है टू वेरिएबल एंड सिंगल वेरिएबल के लिए, तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए ही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिनकी डिग्री वन होती है, ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री वन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री वन का मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, मान लिया हमने लिखा कोई इस टाइप की इक्वेशन लिखी ax plus by plus c is equal to 0, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ये हमारी क्या है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहां पे हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो इस टाइप की इक्वेशंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हो तो हमने पढ़ रखा है कि इनके जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप की इक्वेशंस का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमेशा कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जब भी हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें तो पता है वो एक स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। अगर हमें इस इक्वेशन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट मिल गए तो हम उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब वो पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये थी, ये ए बी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे हमें पता है कितने पॉइंट्स होते हैं, किसी भी एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। अब वो पॉइंट्स करते क्या, बेसिकली उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम सिंगल लाइन लिख रहे हैं तो सिंगल लाइन को सेटिस्फाई करने वाले एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सिंगल लाइन के लिए हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, सॉल्यूशन का मतलब जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, जो उस लाइन पे लाई करते हैं। अगर हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहां पे कंडीशंस आती हैं, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लीनियर पेयर के इक्वेशंस के है उसमें तीन कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की, एक होती है पैरेलल लाइन की, और एक होती है ओवरलैपिंग लाइन की। तो यहाँ पे तीन कंडीशन तब मिलती हैं जब हमें दो लाइनें गिवन होती है। अगर हमारे पास सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई भी एक सिंगल लाइन ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया कि 3x plus 4y is equal to 5। अब हम इस लाइन को बेसिकली लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3x 5 minus 4y और x is equal to 4y upon 3। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर हम y की वैल्यूज को पुट करते जाएं तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगे। तो ये सारे क्या है, ये जितने भी x और y की वैल्यूज जनरेट कर पा रहे हैं हम, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बेसिकली हम बोलते हैं सॉल्यूशन, या उसको जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस लाइन पे लाई करेंगे। तो बेसिक सा मतलब हमारे यहाँ पे बस इतना समझना है कि अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें केवल दो पॉइंट चाहिए। अगर हमें दो पॉइंट मिल गए तो हम उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन के लिए ये होती है, ax plus by plus c is equal to 0, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब जो हमें कोऑर्डिनेट के अंदर इक्वेशंस देखनी है वो क्या देखनी है, वो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट के हमें अंदर हमें देखना है जो सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस है, केवल उनको ही डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को नहीं देखना। जो सबसे पहली इक्वेशन हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखनी है वो है हमारा एक्सेस। ये जो दो एक्सेस है, अगर हम इन एक्सेस को ध्यान से देखें तो ये भी एक लाइन है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। ये एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। तो इनकी भी कुछ ना कुछ इक्वेशंस होंगी। तो सबसे पहले इक्वेशन जो हमें देखनी है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन सिंपल होती है हमारे पास वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। ये सिंपल सी एक इक्वेशन जो हमने लिखी, वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी पॉइंट गिवन होगा ब्रैकेट के अंदर दिखा होगा कॉमा के साथ, ठीक है, इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। तो y इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो x एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी कभी भी हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लिया हमने एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया तो हमें पता है ये x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, लेकिन y एक्सिस पे जीरो होगा। अगर हम यहां पे भी पॉइंट लेंगे तब भी ऐसा ही होगा, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस होगी y पे जीरो होगा, अगर हम इधर जाएंगे तब भी होगा। यानी कि हमें ये चीज दिख रही है कि इस x एक्सिस पे कभी भी कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है।
क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे वाई पे गया ही नहीं, वाई पे कोई लेंथ उसने कवर नहीं की, ना नीचे गया ना ऊपर गया। इसका मतलब कि अगर हम वाई इक्वल टू जीरो देखें तो ये ऑलवेज एक्स एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, सिंपल वाई इक्वल टू जीरो होती है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो सेम है, ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर हम वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लें तो उसमें हमें पता है कि क्या होता है, हमेशा उसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमने लिखा था इस तरीके से तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है, ये क्या बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और ये बेसिकली किसके कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है। तो जब भी कोऑर्डिनेट लिखा होगा इस फॉर्म में लिखा होगा, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए इक्वेशन ऑफ लाइन है। और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, ठीक। अब तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ऐसी इक्वेशन जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही हो। अब एक्स एक्सिस क्या, ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का मतलब या तो यहां से हो, यहां से, यहां से हो, कहीं से भी हो, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें समझना है कि वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, ये लाइन हमारी एल है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा जो यहां पे गिवन है ये 0, a है, या सिंपली मान लेते हैं 0, m। यानी कि हमने क्या लिया, हमने एक लाइन ली जो 0, m से पास हो रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर इसकी इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन सिंपल सी होती है, वाई इक्वल टू एम, वाई इक्वल टू एम। यानी कि किसी भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमें सिंपली ये देखना है कि वो वाई एक्सिस के किस पॉइंट से होके पास हो रही है, जिस पॉइंट से होके पास हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली वाई इक्वल टू समथिंग लिख देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अगर हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहने वाला है, एम रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इस पे फिक्स चल रही है वो लेंथ। वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, एम होगा, लेकिन एक्स चेंज हो रहा होगा, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ कुछ डिफरेंट, यहाँ कुछ डिफरेंट, इसलिए एक्स को कंसिडर नहीं किया हमने, क्या कंसिडर किया, वाई को कंसिडर किया। तो वाई इक्वल टू एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये एम की जो वैल्यू है वो वैरी करती रहेगी तो लाइन भी वैरी करता रहेगा। मान लिया हमने m की वैल्यू 2 रखी तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हम m की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0, 2, पासिंग थ्रू 0, 2, यानी 0, 2 जहां पे भी हमारा आ रहा होगा, मान लीजिए यहां पे 0, 2 आ रहा है तो वो लाइन यहां से पास हो जाएगी। इसी तरीके से हम y की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहां से पास हो जाएगी। इसी तरीके से अब यहीं पे देखें y इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो वापस से x लाइन, ये x एक्सिस हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारी एक पास और एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जैसे हमने इसको डिफाइन किया उसी तरीके से सेम एज इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू एम या एन, जो भी हम कॉन्स्टेंट चूज करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी लाइन अगर हम एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ली, अब हमें बस ये देखना है कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है यानी जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट पे हमें पता है x के कोऑर्डिनेट कुछ होंगे। अब वो कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे कहीं पे भी आप x को देखेंगे तो x यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ। अगर हमने इसको m कमा 0 पॉइंट लिया हुआ इस पॉइंट को, तो बेसिकली इस लाइन पे लाई होने वाले सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट m हो जाएंगे, इसलिए x इक्वल टू m लिख दिया हमने। ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसी तरीके से m की वैल्यू वेरी करती रहेगी, अगर निगेटिव होगी तो इधर आएगी। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज ऊपर देख लेते हैं, जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले पॉइंट निगेटिव होते हैं। तो अगर हमने लिखा कि y इक्वल टू माइनस टू, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0, -2 से पास हो रहा होगा, तो 0, -2 कहीं नीचे आएगा हमारे पास, ठीक है, नीचे। इसी तरीके से x की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। तो बेसिकली चार टाइप की लाइन हमारे पास मिली, पहला हमारी x एक्सिस, दूसरा हमारा y एक्सिस, फिर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। और सिंपल सा फंडा है इसको याद करने का, सिंपली हमें याद रखना है कि वो पॉइंट जो उस पर ऑलवेज सेटिस्फाई हो रहा है उसका वो कोऑर्डिनेट, जैसे x एक्सिस पे ऑलवेज y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पे ऑलवेज x 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट के
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए एम फिक्स हो जाता है और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए एच फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया लाइन का, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या कहते हैं 10th NCERT का पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्योंकि हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया, लाइन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब उनके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन बनाई, कोई भी एक लाइन हमने बना ली, मान लिया हमने एक लाइन बना ली ए बी, तो अगर हमें इनके एंड पॉइंट पता है, एंड पॉइंट का मतलब जो उसके एंड में आ रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो सेकंड टॉपिक है, क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला पॉइंट गिवन है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है x2 y2। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बेसिकली क्या मान लेते हैं, वो d है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली इसके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। यानी कि हम सिंपली इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा जो फॉर्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसमें बेसिक आपको याद क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी x कोऑर्डिनेट को उठाइए, उसके डिफरेंस को निकालिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आप x1 को पहले लिखें या x2 को पहले लिखें, इससे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। तो चाहे आप x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें, तो सिंपली याद रखें डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, दोनों के होल स्क्वायर का सम, फिर उसके बाद क्या रहना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला, इसी के फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहां, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स की बात कर लें, मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए यहां कहीं है, जो हमारा कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किया x1 y1 है, और कोई एक पॉइंट यहां मान लेते हैं बी है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए x2 y2। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब सिंपली हमें ए बी की लेंथ चाहिए। डिस्टेंस का मतलब क्या, बेसिकली ये ए बी है। तो अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो क्योंकि ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब पहले वो x कोऑर्डिनेट पे चला होगा, फिर वो y कोऑर्डिनेट पे चला होगा। तो x कोऑर्डिनेट की लेंथ कितनी हो जाएगी x1, और y कोऑर्डिनेट की लेंथ कितनी हो जाएगी y1। सेम एज अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो पहले वो x कोऑर्डिनेट पे चलेगा, तो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां चलेगा, यहां से लेके यहां तक चलेगा, और ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी x2 हो जाएगी। फिर यहां से लेके यहां तक जाएगा, वो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी y2 हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन ज्वाइन कर दें, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा सी है, तो अब अगर AC को हम देखें, तो AC लेंथ बेसिकली क्या है, ये टोटल लेंथ में से अगर ये लेंथ माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगी, AC मिल जाएगी। यानी कि x2 माइनस x1, सिंपल x2 माइनस x1 क्या मिलेगा हमें, AC मिल जाएगा। इसी तरीके से इसके बात करें BC की, तो ये टोटल लेंथ y2 है, उसमें से ये लेंथ कितनी है y1 है, तो ये वाली लेंथ भी मिल जाएगी हमें y2 माइनस y1। यहां तक क्लियर। अब बेसिकली हमें क्या मिल गया, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जो ABC है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AB यहां पे क्या हमारी हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, वो सिंपली AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब AC क्या है हमारा, AC सिंपल दिख रहा है हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से BC क्या दिख रहा है, BC हमारा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, और यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी सिंपल पाइथागोरस का यूज करके हमें डिस्टेंस फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस ये है कि अगर हमारा ये जो पॉइंट है ए और बी, इनमें से कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए। ओरिजिन हमने क्या डिस्कस किया था अभी, कि वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ए पॉइंट क्या बन गया, ओरिजिन बन गया, कोई भी एक पॉइंट, या तो ए या तो बी, यानी कि या तो इसमें x1 0 होगा, या तो x2 0 होगा, या तो y1 0 होगा, या तो y2 0 होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हमारा ए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं x, y, एक पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया, दूसरा पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x2 प्लस y2। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 खत्म, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे तो वाई आ जाएगा सिंपल, तो x2 प्लस y2 सिंपल। इस फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, x2 की जगह x रख दिया, x1 की जगह 0 रख दिया, y2 की जगह 0 रख दिया, एंड y1 की जगह y रख दिया। तो हमारा क्या मिल गया, स्पेशल केस मिल गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है, ये हमारा है
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस पे तो बेसिक क्वेश्चन एक आपको आएगा कि डायरेक्टली दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट हमने ले लिया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, एंड एक पॉइंट हमने ले लिया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जीरो कॉमा। ठीक, ये दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस फॉर्मूला को उस पर अप्लाई कर देना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए बस ये ध्यान रखिए कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो जब तक कॉमा नहीं लग रहा, जब तक कॉमा नहीं लगा, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी कि हमारा एक्स1 हो जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ वाई1 हो जाएगा, यानी एक्स1 वाई1 मिल गया। इसी तरीके से ये एक्स2 हो जाएगा, ये वाई2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए बी निकालनी है हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज रख देते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन तो जीरो माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्योंकि जब ये माइनस है फिर उसके बाद होल स्क्वायर है, तो वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे हम एक बार लिख देते हैं, जीरो माइनस ए कॉस थीटा, अब माइनस से ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू क्या हमारे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब बेसिकली होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, उससे पहले हम चाहें तो इसको माइनस कॉमन लेके इसको सही कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि होल स्क्वायर था बाहर निकल के क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। फिर दूसरे को होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस, तो यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस टू ए बी आएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल क्या कर दिया हमने, दोनों ही होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब यहां पे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है यहां पे और ये निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां पे। तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो सिंपल कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अब केवल सिंप्लीफिकेशन करा गया, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों जगहों से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर था, सेम एज बी में भी दिख रहा है हमें, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता। तो सिंपली अगर हम इन दोनों जगहों पर वन पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमारा आ जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है एमयू एंट्रेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एमयू एंट्रेंस में आया हुआ है, पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना था और हमारा रिजल्ट मिल गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं, हम पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो बनते हैं इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। हमें इसमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है एक पॉइंट और बेसिकली तीन पॉइंट गिवन होते हैं, कोई भी तीन पॉइंट गिवन होता है।
इसमें बोल रहा होता है कि कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे। जैसे सिंपली मान लेते हैं ए जो है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, यानी कि हम सिंपली क्या कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, यानी कि ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, यानी उन दोनों के डिस्टेंस बराबर है। तो हम सिंपली इनको बराबर करेंगे, फिर यही डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें अननोन होती हैं, तो जैसे अप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, या तो क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो रिजल्ट आएंगे, लीनियर बनेगा तो वन रिजल्ट आएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है इक्विडिस्टेंस का। इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे इस चैप्टर की, तो उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले बाकी के जो कॉन्सेप्ट हम इसके जो सेकंड इंट्रो पार्ट करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे इस चैप्टर में दो तीन टॉपिक और बच रहे हैं, एक बच रहा हमारा एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बच रहा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन, जो भी पॉसिबल कम्युनिकेशन उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब जैसे कि हमें ये तो अब पॉसिबल नहीं कि आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल सके, तो जो मिल रहा है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं आप उसको देखिए। तो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगा वो। एक बार देखिए, दो बार देखिए, रिवाइंड करते रहिए। क्लास में क्या होता है, क्लास में तो टीचर बोल के चला गया तो आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते ना। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट यही है कि आप उस लेक्चर को जितने टाइम चाहे उतने टाइम देख सकते हैं। तो आप लेक्चर को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स का मतलब ही प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स अच्छी होती रहेगी, ठीक है। बाकी वीडियो को मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर करेंगे, बस मैं इतना कहूँगा वीडियोज़ को शेयर करिए, बेसिकली उनके साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है इस वीडियो से बेनिफिट होगा, जैसे 11th एंट्रेंस के स्टूडेंट हो या फिर 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, उनके साथ शेयर करिए वीडियो को। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।